तो हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड ब्रेकर हल की, जो कि आसमान से सकार प्लेनेट पे जा गिरता है, जहाँ पर और भी कई तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। वो उसे जलाते हैं, मारते हैं और टॉर्चर भी करते हैं, पर हल्क फिर भी उन असली मॉन्स्टर्स को नहीं भूलता जिन्होंने उसे उसके प्लेनेट से बाहर फेंक दिया था, ये बोल के कि वो अपने यूनिवर्स की रक्षा नहीं कर सका। और उन्हें लगा कि हल्क मर गया है, पर वो मरा नहीं था, वो जिंदा बच गया, क्योंकि हल्क एक जख्म की तरह है। द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, द आई ऑफ एंगर। और अब हल्क वापस आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस में कुछ कर्मचारी अपना रूटीन का काम कर रहे होते हैं, साथ में वो हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर को स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। वो ऑफिसर बोलती है अपने साथियों से, क्या तुमने वो देखा? कुछ बहुत बड़ा। उसके बाद हम चांद पर हल्क को देखते हैं, जिसके सामने खड़े होते हैं इनह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट एंड मेडुसा। मेडुसा हल्क से बोलती है कि तुम्हारा यहाँ आने का साफ मतलब है कि तुम हमसे जंग करना चाहते हो, बट क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? क्योंकि तुम पहले भी हमारे राजा से हार चुके हो, वो भी काफी बुरी तरीके से, और तुम तो जानते ही हो ब्लैक बोल्ट की पावर और उसके मास्टर ब्लू को। वो तुम्हारी हड्डियों के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी है, और उनकी हल्की सी आवाज तुम्हें सूरज तक फेंक सकती है। पर हल्क गुस्से में ब्लैक बोल्ट को बोलता है कि ब्लैक बोल्ट, तुमने मुझे स्पेस में फेंका, मेरी दुनिया तबाह की। और इतना कह के हल्क ब्लैक बोल्ट को हाथों से पकड़ लेता है, पर ब्लैक बोल्ट बोलता है अपनी धीमी आवाज में कि बस बहुत हुआ, और एक तेज फोर्स हल्क को दूर फेंकने लगती है। हल्क बचने की कोशिश करता है, पर फिर भी दूर जाकर गिरता है, और ब्लैक बोल्ट मेडुसा के साथ वापस अपने महल की तरफ जाने लगता है। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं यहाँ धीमी आवाजें सुनने नहीं आया। तो ब्लैक बोल्ट पीछे मुड़कर देता है, तो हल्क उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, और हल्क बोलता है, मैं तुम्हारी चीखें सुनने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं वही ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर्स को चांद पर हुए धमाके के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया कर्मचारी सील्ड डायरेक्टर टोनी स्टार्क के पीछे पड़े होते हैं, पर वहीं टोनी अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और बोलता है कि किसी चीज ने हमारे सैटेलाइट को हिट किया है, आपको मुझे उसकी छानबीन करने की इजाजत दे देनी चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट बोलते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, और वो मैनहट्टन पहुंच चुका है। तभी हम आसमान में हल्क की स्पेसशिप देखते हैं, और वहां बड़ा सा हल्क का होलोग्राम प्रोजेक्टर होता है, जो बोलता है, कमजोर और लाचार लोगों, मैं यहां सब कुछ बर्बाद करने आया हूं, पर तुम्हें पता होना चाहिए इस सब की वजह क्या है और इन सबका जिम्मेदार कौन है। और फिर स्क्रीन पर डॉक्टर स्ट्रेंज, री रिचर्ड, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट की पिक्चर दिखने लगी। तब हल्क बोलता है, तुम्हारे लिए जो हीरो हैं, मेरे लिए वो मॉन्स्टर्स हैं। मैं तुम्हें खुद इनकी वो बातें सुनाता हूँ जो इन्होंने मुझे स्पेस में फेंकने से पहले बोली थी। इसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है, जिसमें री रिचर्ड बोलता है, ब्रूस, मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था, इसीलिए तुमसे माफी चाहूंगा, पर सबकी भलाई के लिए हमें तुम्हें दूर भेजना होगा, हमारे पास शांति से जीने का बस यही आखिरी रास्ता है। और हल्क बोलता है, इनने मुझे मरने के लिए स्पेस में छोड़ दिया था, पर मैं सकार नाम के प्लेनेट पर जा गिरा। वहाँ के राजा ने पहले तो मुझे गुलाम बनाया, फिर अपना ग्लैडिएटर, फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं अपने साथियों के साथ बच गया। फिर स्क्रीन पर हल्क के सभी साथियों की पिक्चर्स आती हैं। हल्क बोलता है, हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई, वहाँ मैं राजा था, मेरी एक रानी भी थी, पर तभी हमारे प्यारे हीरोज ने एक बॉम्ब भेज दिया और लाखों लोग मारे गए। और हल्क आगे कहता है, मैं ये शहर तबाह करने वाला हूँ, और तुम्हारे पास 24 घंटे हैं यहाँ से निकलने के लिए, और मेरे वापस आने पर मुझे आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा। फिर हल्क सबके सामने ब्लैक बोल्ट की डेड बॉडी लाता है और बोलता है कि नहीं तो मैं सबका यही हाल करूँगा। एंड नेक्स्ट एक नई जगह पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके सामने आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, जो उसे ब्रूस का दोस्त बताते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये कर पाएगा, क्या इससे हो पाएगा, कम से कम ये उसे समझा सकता है, ये उसका दोस्त है। एंड तभी वो आदमी उनकी बात मान लेता है और एंट्री होती है एक नए सुपर हीरो की। अब ये सुपर हीरो कौन है हमें अगले वीडियो में पता चलेगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।